हर ईडी सीबीआई ये लगाते हैं। देखिए हमारा क्या हुआ, उन्होंने झारखंड के सरकार को खत्म करने का सोचा, क्या हुआ उल्टा, हमारे को जहां हमारे को 44 थे वो 48 हो गए। खैर एक आदमी बीमार था, प्रेजेंट 47 हो गए। क्यों करना ये एक्सपेरिमेंट, जब मजबूत सरकार है उसको गिराना, डराना, फिर उनको अलग रखना, ये चीजें वो करके आगे आना चाहते हैं। और कि हमको जनता का सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट कहाँ है, अगर जनता का सपोर्ट होता तो पूरे देश में चीफ मिनिस्टर तुम्हारे ही होते थे, ये गिरा गिरा के चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते थे। और यहाँ से जो कांग्रेस वालों को अपने ले रहे हैं, लेकर जो सरकारें बना रहे हैं और उन्हीं से गालियां दिला रहे हैं, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, जो अपने पदयात्रा कर रहे हैं उन्हों, और राहुल जी हर जगह जा रहे हैं, तो भी उसके ऊपर टीका। राजा, क्या राजा, क्या वह राज्यसभा में थे कल बोले, और क्या उनकी क्या वहां गलती थी। अरे ठीक है भाई, तुम लोकसभा मेंबर है, उन्हों बोलो, उन्हों जब आते हैं तो ये जो स्टैंडर्ड है, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट्समैन के जैसे अपना आगे का विजन देना, उन्होंने क्या किया वो बोलना, वो छोड़ के मैं और 5 साल आऊंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, ये तो बोल रहे हैं। लेकिन मेरा यही है कि पिछले आप के करतूत क्या है, आज के करतूत क्या है, इसमें हम सब दिए हैं। और जो ये डिवाइड, देश को डिवाइड करने की बात, साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करने का उन्होंने बोला, अरे भाई साहब मोदी जी, आप जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, आपने पूछा केंद्र सरकार उस वक्त के यूपीए गवर्नमेंट को कि 50% टैक्स स्टेट को मिलना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा टैक्स नहीं देना चाहिए अगर हमको नहीं मिलता। ये भी उदाहरण उन्होंने दिया, 48,600 करोड़ मैं टैक्स देता हूं गुजरात, और मेरे को 2.5% वापिस मिलता है। फिर ये डिवाइड की बात हो गई नहीं, ये लोग अगर दूसरे पार्टी के लोग बात कर रहे हैं तो आपने तो खुद बोला चीफ मिनिस्टर होके, और वही बात अगर दूसरा बोलता है वो देशद्रोही होता है, वो देश तोड़ने की बात करता है। तुम क्या करें, तुम तो देश तोड़ने की बात हमेशा करते हैं, दंगे करवाए पीछे, लोगों को भड़काए, ऐसे ऐसे भाषण करके भड़काए, पूछो मत। और वही आदमी आज ये कहता है कि साउथ नॉर्थ की झगड़ा कर रहे हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तुम कौन सी बात किए जब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो उनको देखना चाहिए। और गवर्नर तो ऐसे बने हैं कि स्टेट के डिक्टेटर्स, वो जो कहते हैं वही होना, कहीं भी गवर्नर्स को इन्होंने बिठाया है तो वहां सरकार को डिस्ट्रॉय करने के लिए बिठाया। जहां बीजेपी का सरकार है कोऑपरेट करो, जहां नहीं है उसको फाइल्स वापिस भेजो, पेंडिंग रखो, ये सब है इसमें। मैं ज्यादा आपको यहाँ पर और भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ हम मैंने आपके सामने रखा है और इसमें पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं। और आखिरी में एक ही बात करूँगा कि भाई कांग्रेस पार्टी ये महात्मा गांधी जी की पार्टी है, उसने स्वतंत्रता संग्राम में भारत को करके भारत को 200 वर्षों के ब्रिटिश अन्याय से निकाला,
और 2024 में हम भारत को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर लाएंगे, इंडिया गठबंधन से, और न्याय प्रदान करेंगे और काम करते रहेंगे। भारत के लोगों को हमने पहले भी जो वायदा किया है वो वायदे हम निभाएंगे, जैसा कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब कानून हमने बनाया। तो उन्होंने कहे कि ये मोदी 1 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा। अरे भाई, हम भी दे रहे थे, उसका रेट ही था 3 रुपए। उसके बाद हर स्टेट ने कहीं मुफ्त किया, कोई अलग किया, लेकिन इन्होंने इतने जोर से बोलते हैं कि दूसरे समझे कि क्या सच बोल रहा है। लेकिन ये आंकड़े अगर आप देखेंगे, ये खर्चा अगर आप देखेंगे, तो वो आपको मालूम होगा। धन्यवाद।